पलायन जैसे तकलीफ को दूर करने के लिए वह हम लोग चाह करके भी नहीं कर पाए। मलाल तो है, लेकिन सच तो सच है कि मजदूरों को उनके घर में काम नहीं मिल रहा है। पलायन की सबसे बड़ी वजह यही है कि एक बार फिर धनबाद से प्रवासी मजदूरों का गमन शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का रेला है, जो पेट की खातिर दोबारा परदेश का रुख कर रहे हैं। कोरोना का डर तो है, पर महामारी पर भूख भारी है। तिरपुर जा रहे हैं। तिरपुर तमिलनाडु में काम करने के लिए। कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, वो तो बात ठीक है, लेकिन कोरोना से मरने से बढ़िया तो मतलब भूखे मर जाएंगे, तो कोरोना से मर के क्या फायदा है बताइए। और सबसे बड़ा तो पेट है। मायूस है, लाचार है, पर क्या करें, पेट तो पालना है। रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, काम घर में नहीं है, तो पलायन के अलावा उपाय क्या है? शासन प्रशासन को इस बात का इल्म तो है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि वे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में नाकाम हुए हैं। बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे राज्य में राज्य से पलायन होता रहा। हम लोगों ने यह प्रयास किया कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, पहले जो कहीं बेसहारा पड़े हुए थे, उनके सबका रजिस्ट्रेशन हो। आज राज्य सरकार को पता है कि हमारे कितने भाई बहन दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, और जब जरूरत पड़ी तो हमने उन प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित अपने राज्य में लाने का भी काम किया है। लेकिन यह सत्य है कि आज हमारे पास राज्य में उतने रोजगार नहीं है, और ना साल भर कोरोना की वजह से होने की वजह से जो जिस तेजी से काम होना चाहिए था इस पलायन जैसे तकलीफ को दूर करने के लिए, वह हम लोग चाह करके भी नहीं कर पाए। ये मजदूर रोजगार के खोज में जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया कि राज्य में मनरेगा के माध्यम से जो ग्रामीण कम से कम अर्थव्यवस्था है उसको संभाला जाए, वहां लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन यह सत्य है कि आज भी हमारे पास सभी लोगों के लिए रोजगार नहीं है इस राज्य में। कोरोना की वानगी ऐसी, मजदूरों की अलग लाचारी है, तो सरकार की अलग मजबूरी है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी है, पहले कोरोना को जड़ से उखाड़ना है। धरातल पर उतारना इस कोविड के बीच में चुनौती है। इस चुनौतियों से हम रोज रूबरू हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, और उम्मीद है कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करने के बाद जीविका को चलाने के लिए जो भी सक्षम प्रबंध हमें करने पड़ेंगे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम साहब, ये गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है। पलायन एक बार फिर शुरू हुआ है। घर से विदा लेकर प्रवासी मजदूर एक बार फिर परदेश के लिए गमन कर रहे हैं। सिर्फ स्वीकारोक्ति से काम नहीं चलेगा, पलायन का दर्द पर रोजगार का मरहम लगाना होगा। नरेंद्र कुमार निषाद, ईटीवी भारत, धनबाद।